सत श्रीकाल जी, मेरा नाम हरदीपाल ब्राड, RCIC विद एथिक वर्क्स इमीग्रेशन सर्विसेज। ये वीडियो दे विच अज आपां कैनेडा दे लई जो स्पाउस ओपन वर्क परमिट हुंदा उहदे बारे गल करांगे। सो ये ओपन वर्क परमिट दे लई कौन एलिजिबल हुंदा, की इहदीआं कंडीशनज ने, ते इहनूं अप्लाई करन दे लई आपां नूं की डॉक्यूमेंट चाहीदे हुंदे ने। सो ये कौन एलिजिबल है इस वर्क परमिट दे लई? इमीग्रेशन कैनेडा वालों एक LMIA एग्जैम्पशन मिली हुई है। जे फॉर एग्जाम्पल तुहाडे हसबैंड और वाइफ कैनेडा दे विच इंटरनेशनल फुल टाइम स्टूडेंट एलिजिबल स्कूल दे विच पढ़ रहे हैं, तां तुहानूं उन्हां दे बेस उत्ते ओपन वर्क परमिट इशू हो सकता है। जदों तुहानूं वर्क परमिट मिल जाता है, तुसीं इत्थे आ के किसी भी इंपलॉयर नाल काम कर सकते हो, तो फुल टाइम काम कर सकते हो। सो हुण आपां नूं की डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे ने ये वर्क परमिट एप्लीकेशन के लिए? ये तीन मेन कंपोनेंट्स ने जो कि एप्लीकेशन के बेसिकली आप अप्रूव करने होंगे। सो पहला ये कि तुहाडे जो स्पाउस ने, हसबैंड और वाइफ जो कैनेडा दे विच स्टडी कर रहे हैं, वो एक एलिजिबल स्कूल दे विच फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए अपन स्कूल वालों प्रूफ मिल जाते हैं, जो कि आप जो अप्लाई करते हैं विद इन अ वीक और सो अपन डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। सो वो पहली चीज़ होंगी है। दूजे नंबर पर तुहाडा जो रिलेशनशिप है वो जेन्युइन होना चाहिए। सो उसके लिए उन्हें आप प्रूव करने के लिए अपन अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे ने। मेनली स्पीकिंग अपन होंगे भी इंडिया तो जो फॉर एग्जाम्पल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ने, लीगल डॉक्यूमेंट्स ने, जो कि जिमें मैरिज सर्टिफिकेट हो गया या पासपोर्ट हो गए तुहाडे स्पाउस दे, ते जे तुहाडे बच्चे है तो अपन उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह हो गए, प्लस अपनों तुहाडा जो वैडिंग मैरिज सैलीब्रेशन वगैरह होगा तो उहदे लई उहदियां बिल पेमेंट्स हो गई, उन्होंने अपन प्रूफ आप यूज कर सकते हैं। पिक्चर हो गई तुहाडिया जो भी प्रोग्राम होए थे सारे उन्होंने वो आप एज अ प्रूफ यूज कर सकते हैं। सो ताकि आप बेसिकली इमीग्रेशन कैनेडा नू सैटिस्फाई कर सकी कि जो तुहाडा रिलेशनशिप है वो जेन्युइन है। नंबर तीन ते आप ने फाइनैशियल कपैसिटी प्रूव करनी होंगी है। सो बेसिकली ये होंगे कि तुहाडी एज एन एप्लीकेंट फॉर दैट एप्लीकेशन तुहाडे कोले इनफ फंड्स ते फाइनैशियल रिसोर्स है कि जो कि तुसी पहले नंबर पर कि तुसी जो खर्चे होने हैं इधर आन दे, प्लस जो तुहाडे स्पाउस ने स्टडी कर रहे हैं वो खर्चे तुसी अफोर्ड कर सकते हो। दूजे नंबर पर हैगा उहदे विच कि तुहाडे कोले इनफ फाइनैशियल इनसेंटिव हैगा वापस आने का, ताकि इमीग्रेशन कैनेडा नू ये चीज़ लगे कि तुसीं कैनेडा दे विच विदाउट ऑथराइजेशन नहीं रहोगे। उहदे लई आपां नूं किस तरह के प्रूफ चाहिए ने? तुहाडा जो जॉब का हो गया, तुसीं की काम कर रहे हो, उहदी तुहाडी की इनकम हैगी, आपां नूं उहदे इनकम के प्रूफ हो गए, ITRs हो गई, जां जे तुसीं एग्रीकल्चर नाल रिलेटड हो तां J फॉर्म हो गए, जां जो भी आपां नूं उहदे तुसीं जॉब कर रहे हो सैलरी स्लिप्स वगैरह वो सारा कुछ आप यूज कर सकते। प्लस तुहाडे बैंक अकाउंट के फंड किन्ने अवेलेबल ने वो आपू वो नाल नाल आपां नूं 4 to 6 महीने पुरानी बैंक स्टेटमेंट्स जिहदे विच आपां इह चीज़ शो कर सकीए कि तुहाडे अकाउंट के फंड वगैरह इनफ अवेलेबल होंदे ने, हिस्ट्री हैगी आ फंड की थोड़ी बहुत। उस तो बाद दे विच अपने हो जाते हैं एसेट्स। सो तुहाडे नाम के उत्ते कोई प्रॉपर्टी हैगी आ जां कोई होर एसेट्स ने तुहाडे पेरेंट्स के नाम के उत्ते, सो ओवरऑल फैमिली की फाइनैशियल एस्टैबलिशमेंट जो हैगी आप किवें प्रूव कर सकते हैं। सो ये एक जनरली स्पीकिंग आपां नूं इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होंगे ने। तो एप्लीकेशन आपां जदों कदों तुसीं ये डॉक्यूमेंट्स कदों तैयार करने शुरू करो, देखो जदों तुहाडे स्पाउस का स्टडी परमिट आ जाता, जे तुसीं जदों तुसीं प्लानिंग शुरू करती है कि तुसीं ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना, राइट वे तुसीं सानूं कॉन्टैक्ट करो, असीं तुहाडे जो स्पेसिफिक तुहाडियां केस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ने वो देख के तुहानूं एक डॉक्यूमेंट लिस्ट दिंदे आ, तुसीं उह रेडी करना शुरू कर दो, ताकि जदों आपां एप्लीकेशन सबमिट करनी है उस तक अपने कोल इनफ ते सारे डॉक्यूमेंट्स फुली ऑर्गेनाइज्ड होण ते आपां एप्लीकेशन सबमिट कर सकीए। बाकी जे तुहाडे कोई होर क्वेश्चन होण, तुहानूं कोई केस स्पेसिफिक इनक्वायरीज होण थोड़ियां, तां तुसीं साडी दित्ती हुई कॉन्टैक्ट इनफॉर्मेशन उत्ते साडे नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। धन्यवाद जी।